रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कप पोहे से बनी हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप पोहा मसाला इडली भी बोल सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और झटपट बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप पोहा लिया है, आप मोटे या पतले कोई भी पोहा ले सकते हैं। उसे एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने से क्या होता है, ये अच्छी तरह से सोख भी हो जाएंगे। अब हम इसे एक जार में डाल देते हैं, हमें इसे ग्राइंड करना है। इसे हमने जार में डाल दिया है और साथ ही इसमें मैंने हाफ कप सूजी डाला है और साथ ही इसमें हाफ कप दही भी डाल देंगे। इसमें हमें पानी बहुत ही कम डालना है, क्योंकि दही में काफ़ी पानी है, तो इसे अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता डाला है और इसका एक मैंने इस तरह से मिक्सचर बना लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप बेकिंग पाउडर की जगह एक चुटकी बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक होल वाली प्लेट ली है, इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। आप इडली स्टैंड में भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ हम अपने बैटर को इस तरह से हाथों में लेके इसे एक शेप दे देंगे और साथ ही बीच में एक होल कर लेंगे। बीच में होल करने से क्या होगा कि अच्छी तरह से हर ओर से जल्दी से कुक हो जाएंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी इडली को तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो पानी में अच्छा बॉयल आ गया है। तो अब इस प्लेट को हम इस कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और इसे हम कवर कर देंगे। इसे हमें लगभग 10 से 12 मिनट तक कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक नाइफ की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे, तो देखिए अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही हल्के बने हैं। तो इसे हमने एक प्लेट पे निकाल लिया है और इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसका तड़का लगाते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों और साथ ही एक लाल मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। एक चुटकी हींग डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से कुक होने देंगे। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब इसमें एक मैंने एक प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप किया था, उसे डाल दिया है और इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। यहाँ मैंने इसमें 6 से 8 करी पत्ता डाला है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 हरी मिर्च को भी काट के इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसे भी अच्छी तरह से काट के इसमें डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में हमें पकाना है, जब तक कि टमाटर हमारे मशी ना हो जाए। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। क्योंकि हमने अपने इडली में भी नमक डाला था, तो नमक यहाँ पे हमें स्वादानुसार ही डालना है। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करते हुए कुक करना है, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें अदरक ग्रेट करके डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1/4 कप ही डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक इसे और कुक करेंगे, इसमें भी बॉयल आने लगा है। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला का पाउडर डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो इडली को स्टीम किया था उसे इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने सारी इडली डाल दी है और इसे अच्छी तरह से हमें लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है, ताकि जो है सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से लिपट जाएं।
फ्लेम यहाँ हमने लो ही रखा है, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ता इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पोहे का नाश्ता। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। गुड बाय।